नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने एक साथ तीन नए जिलों के गठन करने की चौंकाने वाली घोषणा की है। गहलोत ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नया जिला बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या 53 हो गई है। इससे पहले इसी साल 17 मार्च को गहलोत सरकार ने एक साथ 19 जिलों का गठन किया था। इसके बाद राजस्थान में तब कुल जिलों की संख्या 50 हुई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत की तीन नए जिलों की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम गहलोत ने चूरू के सुजानगढ़, टोंक के मालपुरा और कुचामन सिटी को नया जिला बनाने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 हो गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और इससे पहले सीएम गहलोत मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अब मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तीन नए जिलों की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा कि रामलुभाया कमेटी ने इन तीन स्थानों को नए जिलों का प्रस्ताव भेजा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि और भी कई क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग हो रही है, इसको लेकर हम परीक्षण करवाएंगे। इधर सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नए जिला बनाने के बाद यहाँ के लोगों में जश्न का माहौल है। सीएम गहलोत ने बजट सत्र के दौरान डीडवाना कुचामन को नए जिले के रूप में घोषित किया था। डीडवाना कुचामन पहले नागौर जिलों के हिस्से थे, लेकिन बजट सत्र के दौरान दोनों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया था। लेकिन अब गहलोत ने डीडवाना से कुचामन को अलग कर एक नया जिला घोषित कर दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तीन नए जिले बनाने से सीएम गहलोत को चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।